एक ये कहते हैं कि पिछले एक सवाल किया था कि खातून हैं, बेवा हैं और वो उम्र रसीदा हैं, लेकिन वो सूद को अपने लिए हलाल कहती हैं कि भाई हमारे लिए सूद जायज़ है क्योंकि हमारे पास कोई ज़रिया आमदनी नहीं है। तो अगर वो खातून इंतकाल कर जाती हैं तो उनके जनाजे में शिरकत करना कैसा है, और ऐसी अगर उनके फातिहा वगैरह या तीजा चालीसवां किया जाए तो उसमें रिश्तेदारों के शरीक होने की क्या सूरत हाल है। देखिए, मैंने कल एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अगर वाकई हकीकतन सूद साबित हो रहा है, बाज़ औक़ात तो मानवी सूद होते हैं, यानी फुकहा कहते हैं यहाँ सूद का माना पैदा हो रहा है, और एक होता है खालिसतन हकीकतन सूद का पैदा होना। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहीं पर कर्जा दिया हुआ है, कर्जे के ऊपर नफ़ा ले रही हैं, जैसे गवर्नमेंट की ऐसी कोई स्कीम्स हों, ये तो खालिसतन सूद है। बाकी और बहुत सी, जैसे अब कारोबार में पैसा दिया और फिक्स नफ़ा रख लिया, जैसे 1 लाख रुपये मैंने दिया और किसी से तय कर लिया कि 2,000 रुपये महीना आप मुझे देते रहेंगे, ये तो कारोबार के लिए मैंने पैसा दिया और वाकई उन्होंने कारोबार में लगाया, लेकिन इसको भी मानवीय लिहाज से फुकहा सूद कहते हैं, इसका हुक्म थोड़ा सा हल्का होगा। और जिसकी बाकायदा मतलब पहचान, उसकी तारीफ और उसका जिक्र कुरान या हदीस में सराहतन आ गया, वो खालिसतन सूद होता है, हराम कतई होता है, उसमें फिर इर्तिदाद का हुक्म होता है। तो इसलिए पहले तो ये तायिन कर ली जाए, हमने आपको इसीलिए मतलब ये बताया कि अगर खालिसतन सूद है, मैंने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कल भी, कि हराम कतई अगर है, वाकई वो सूद है, तो फिर ये कि मुर्तद्दा का हुक्म होगा, फिर तो उसको जायज़ कहना। तो ये पहले तहकीक मजीद कर लीजिए। अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि वाकई ऐसा है कि उन्होंने जो कुरान और हदीस से सरीह सूद की सूरत है वही इख्तियार की हुई है और उसको वो हलाल और जायज़ कहती हैं, तो बस फिर तो ये बहरहाल मुर्तद्दा है। हो सकता है उनके रिश्तेदार आपकी बात को कबूल ना करें, तो आप एहतियात करें, बाकी लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी है। इसी तरीके से उनकी फातिहा वगैरह के लिए या दुआ मगफरत के लिए अगर किसी मजलिस और महफिल का अहतमाम किया जाए तो उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है, देखें अगर ये नहीं करेंगे तो लोग इस तरह गुनाहों पर और ख़ताओं पर दलेर होते रहेंगे। दूसरी बात ये कि कल मेरे काफ़ी मैंने इसके बारे में, मैं सोचता रहता हूँ मुख्तलिफ मसाइल के बारे में, मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि ऐसे जो आपके ख़ानदान में कोई बहन बेवा हो जाती हैं और उनका ज़रिया आमदनी बज़ाहिर नहीं होता और वो सूद की तरफ बढ़ने पर मजबूर हो जाती हैं, तो क्या ये रिश्तेदार जो अतराफ़ में हैं, जो लोग जानते हैं, क्या वो गुनाहगार नहीं होंगे? यकीनन गुनाहगार होंगे, उन्होंने क्यों नहीं ख्याल किया उनका? तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमारी ख़ानदानी बुनियादों पर जो कम्युनिटीज़ हैं कि वो इस तरह का ख्याल करें। अगर कोई बहन बेवा हो जाती हैं तो वह आपस में मीटिंग करें, उनके लिए कुछ सरमाया इकट्ठा करें या उनको अच्छी सहूलत फराहम करें कि उनका पैसा सही जगह इन्वेस्ट करवा कर काबिल एतमाद जगह पर, अच्छी जगह पर, महफूज जगह पर उनके नफ़े का एहतमाम करें ताकि हलाल रोज़ी कमाएं। मैं इनकी तायद नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ी मजबूरी की सूरतें हैं। मैं ये भी जानता हूं कि बेचारी जो बेवाएँ होती हैं, ऐसे लोग अगर वो किसी को पैसा देते हैं, पैसा खा जाते हैं उनका, तो वो चाहते हैं कि हम किसी ऐसी जगह रखें कि बिल्कुल हमारा पैसा महफूज हो जाए, अब चाहे उस पर सूद मिलता रहे। ये भी गलत होता है, लेकिन वो ये बड़े खतरात होते हैं कि लोग खा जाते हैं, करीब तरीन रिश्तेदार खा जाते हैं। तो इसलिए मैंने गुजारिश की कि कोई रिश्तेदारों के अंदर ऐसा कोई एहतमाम करें कि पूरे एक टीम वर्क होना चाहिए, कि एक आध आदमी होगा तो चलो खाने के इम्कान होंगे, सब मिलकर करें। उनमें जो कम्युनिटी के या आपके ख़ानदान के उम्र रसीद अफराद हैं उनको हेड बना दिया जाए, पैसा उन्हीं के पास हो, उन्हीं के अकाउंट के अंदर जमा हो, सब आपस में मिलाकर उनकी माली इमदाद करें ताकि इस तरह की नौबत ही ना आए। ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात बच्चे कुंद जहन होते हैं लेकिन वालिदैन उनको अच्छे महंगे स्कूलों में दाखिल करवा देते हैं और वह बच्चे पढ़कर नहीं देते, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो शरान उनकी इतनी भारी फीसें अदा करना कैसा है? देखें, बच्चे कुंद जहन बाज़ औक़ात नहीं होते हैं, बच्चों को घर में माहौल नहीं मिलता है, लाड प्यार में बिगाड़ा होता है, जिस स्कूल में आपने दाखिल करवाया वहाँ पर इनफरादी तवज्जो नहीं मिलती है, ट्यूशन जहाँ पे आपने भेजा है ट्यूशन सेंटर में या घर पे ट्यूटर आता है वो बाज़ औक़ात अच्छे अंदाज से नहीं पढ़ा रहा होता, वरना बच्चों के जहन तो बहुत अच्छे चलते हैं। तो इसलिए मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है, अगर बच्चा फ़र्ज़ कर लें आपको कुन जहन महसूस हो रहा है तो हकीकतन भी कुन जहन हो और फिर वो उनकी फीसिस की अदायगी को नाजायज़ करार दिया जाए तो बिल्कुल दे सकते हैं। माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ कर अच्छे अंदाज से तालीम को मुकम्मल करें तो आगे फिर नौकरी के चांसेस और उनके फ्यूचर प्रोटेक्शन का एहतमाम हो सकेगा, तो इसको कोई नाजायज़ नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर बच्चा पढ़कर ही नहीं दे रहा है, मुसलसल फेल हो रहा है, वो मतलब बिल्कुल उसकी तवज्जो नहीं है, तो फिर ये कि आप ये कर सकते हैं कि उनको थोड़ा सा हल्के स्कूल में दाखिल करवा दें और किसी बिजनेस लाइन की तरफ लेकर आ जाएँ बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा कर, तो ये कि अलग बात है, लेकिन बहरहाल इसको मुतलकन मना नहीं किया कहा जा सकता क्योंकि बच्चे उमूमी तौर पर ज़हीन ही होते हैं।
हम उनके साथ सही रवैया अख्तियार नहीं कर रहे होते या उनको सही माहौल प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, इन तमाम चीज़ों पर अच्छी तरह तवज्जो करनी चाहिए।